फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियोज में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, यूट्यूब पर वीडियोज बनाते हो, तो यूट्यूब के आपके चैनल पर जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें आप अपने मीडिया को किस प्रकार से लिंक कर सकते हो। मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम है वो ऐप चलाते हो, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, और जैसे आपका फेसबुक पेज है वो हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को आप किस प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल से कनेक्ट कर सकते हो, इनसे लिंक कर सकते हो, क्योंकि इनसे जब आप इन चीज़ों को अपने यूट्यूब चैनल से लिंक कर दोगे तो इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि फिर आपको जब लोग आपकी वीडियो को देखते हैं, आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, तो वो अगर आपके अबाउट सेक्शन को खोल के अगर ओपन करके भी देखते हैं तो आपके जो फॉलोवर हैं वो इंस्टा पर भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके ट्विटर अकाउंट आप लिंक कर दोगे तो उस पर भी आपके फॉलोवर वहाँ से पहुँच जाएंगे आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने सोशल मीडिया के लिंकों को यूट्यूब चैनल से लिंक को किस प्रकार से लिंक कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। मेरा नाम है अनिल यादव और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल अनिल यादव ट्रिक्स को। तो फ्रेंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों को यह चैनल के द्वारा जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने जो क्रम ब्राउज़र आप यूज करते हो उसको आपको ओपन कर लेना है। तो सिंपल सी इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है youtube.com। तो यहाँ पे हमने youtube.com को सर्च कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे की प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे अपना डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है। तो डेस्कटॉप साइट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, इस बॉक्स को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको आपके सामने एक कुछ इंटरफेस इस पर का ओपन हो जाता है, जैसे कि आप कंप्यूटर में जैसे डेस्कटॉप साइट को देखते उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको दिखने लगता है। उसके बाद आपको अपने चैनल पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपका चैनल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके चैनल का जो लोगो है इस पर आपको सिंपल सी क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको योर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे योर चैनल पर हम क्लिक करते हैं थोड़े समय के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है और आपको कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है, जैसा कि आपको इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड आप इसको क्लिक कर देते हो कुछ समय के बाद आपका जो YT स्टूडियो का जो लिंक है वो डेस्कटॉप साइड में ओपन होने वाला है। थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कुछ समय के बाद हमारा जो लिंक है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होने वाला है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो चैनल है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे जाना है, एक ऑप्शन मिलता है बेसिक इन्फो का। देखिए हम आपको बता दें यहाँ पे एक ऑप्शन है बेसिक इन्फो का, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आता है। उसके बाद फ्रेंड आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा देखने को। देखिए यहाँ पर लिखा है ऐड लिंक। देखिए फ्रेंड हम आपको बता दें यहाँ पर लिखा है ऐड लिंक, आप यहां पर देख सकते हो। तो इस वाले फील्ड में आपको जो भी लिंक हैं आपके वो यहां से ऐड कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, ट्विटर का हो गया, या आपके फेसबुक पेज का हो गया, या अदर साइट का हो गया, जो जो सोशल मीडिया है उसका आप यहां से लिंक अपने यूट्यूब चैनल से लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिंक वाले क्लिक करना है। तो जो लिंक आपको यहाँ पर डालना है, जैसे हमने अभी इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, तो अब यहाँ पर हमें अपने फेसबुक पेज का लिंक डालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फेसबुक, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने फेसबुक को लिख दिया है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको जो इस लिंक का जो इसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लिंक को पेस्ट करोगे वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लिंक को सेलेक्ट करना है, जो भी लिंक है आपका वो यहाँ से आपको कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद कटाना है। हमने अपना एक लिंक है वो यहाँ से पहले ही सेलेक्ट कर लिया है अपने यूट्यूब चैनल से, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आते हैं अपने चैनल पर और यहाँ से अपने हम चैनल को ओपन करते हैं और हमारे फेसबुक का जो लिंक है वो हमारी एक वीडियो में है, उसी से हम उस लिंक को उठा लेते हैं। फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो। यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद इसके अवार्ड इसमें डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज का जो लिंक पड़ा हुआ है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा लिंक है फेसबुक पेज का, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। वहीं से हम अपने यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड जो हमने लिंक अभी हमने फेसबुक का अपना फेसबुक पेज का लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो वो लिंक हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
तो वो लिंक यहाँ पे हमने इस प्रकार से पेस्ट कर दिया है और आप देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक अगर और अदर भी वेबसाइट के जो लिंक हैं आपको वो भी अगर आपको पेस्ट करना है यहाँ पे लगाना है तो वो आप इसी प्रकार से आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो ऐड लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है वो यहाँ जो भी लिंक को आप लगाना चाहते हो वो यहाँ से आपको लगा सकते हो आप यहाँ से, ठीक है फ्रेंड। तो हमने आपको जो एक लिंक आपको हमने लगा कर दिखा दिया है और आगे ही इसी प्रकार से आप लगा सकते हो। तो वो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिक्स का, तो इस वाले पब्लिश वाले ऑप्शन पर आप कर दोगे तो उसके बाद आप लिंक आपने लगाया था वो आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब आपको पता कैसे करना है कि हमारे जो लिंक लग चुके हैं कि नहीं, तो उसके बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट अपने यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको तुरंत अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पहुँच जाना है। देखिए अब अवार्ड में जाते हैं, देखिए अवार्ड में भी पहुँच चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक हमने पहले ही लगा दिया था और यहाँ पे अभी हमने फेसबुक पेज का लिंक लगा दिया है। तो इस प्रकार से आप अपने जितने भी लिंक हैं सोशल मीडिया के वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, इनसे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ अगर फ्रेंड आपको थोड़ी भी इस वीडियो के द्वारा जानकारी मिली हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और तथा एक प्यारा सा ऐसी कमेंट करिएगा जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।